और कुरुक्षेत्र के पेहोवा में जलभराव के बीच एनडीआरएफ के जवान एक महिला मरीज के लिए देवदूत बनकर सामने आए। उन्हें समय से सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिन भर में एनडीआरएफ द्वारा 40 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। हमारे संवाददाता एनडीआरएफ की टीम के साथ उस नाव में मौजूद रहे जहां पर कि ये लोग पहुंचकर लोगों को निकाल रहे थे बाहर, और एनडीआरएफ के अधिकारियों से भी बातचीत की गई ताज़ा हालातों को लेकर। लगातार हो रही बरसात की वजह से जो है आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से जो है जल भराव की स्थिति जो है देखने को मिल रही है। देखिए, बात की जाए तो पंचकुला की, अंबाला की या कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो आप मेरे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं कि जो खेत है, जो लोग गांवों में या डेरों में फंसे हुए हैं, तो उनको रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ की टीम जो है लगातार जो है रेस्क्यू करते हुए नज़र आ रही है। इस समय हमारे साथ इंस्पेक्टर अंकित एनडीआरएफ के जो मौजूद है। अंकित जी, हरियाणा न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंकित जी, कितने लोगों को अभी तक आपके द्वारा जो रेस्क्यू किया जा चुका है और अभी आप कहां पर मौजूद हैं? अभी गगन जी, अभी जो है हम पेहोवा जो तहसील है उसके दीवाना गांव है, इसमें मौजूद हैं। और हमारी टीम जो है पिछले 4 दिनों से लगातार ऑपरेशन कर रही है। जैसा कि आपने बताया कि भारी बारिश के कारण आप देख सकते हैं सब जगह पानी ही पानी है। तो पिछले 4 दिनों में जो है हमने लगभग 200 लोगों को भरे हुए पानी की जगह से निकाल कर सेफ स्थान पर छोड़ा है। और पहले हम जो है 9 तारीख को हमने मोहाली में किया, 10 को हमने डेराबस्सी में, और कल जो है हमने शाहबाद में किया। और आज सुबह जो है हमें सूचना मिली तहसीलदार के द्वारा कि यहाँ पे कोई लेडीज है जो हार्ट पेशेंट है, अगर उनको टाइम से ट्रीट नहीं किया गया तो उनकी जान भी जा सकती है। तो सिचुएशन की नज़ाकत को देखते हुए हमारी टीम सुबह फर्स्ट लाइट पे जो है सेवा के लिए निकल गई, और यहाँ पहुँचने के बाद जो है हमने जल्दी से अपनी टीम को रेडी किया और तुरंत जो विक्टिम थे उनको सेफली निकाला और एम्बुलेंस के जरिए उनको एडवांस केयर के लिए भेज दिया है। और उसके अलावा भी हमने जो है यहाँ से लगभग 30 लोगों का रेस्क्यू किया है और अभी हमारा ऑपरेशन जारी है। तो देखते हैं हम कितने लोग और यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम निकाल सकें, उतनों को हम रेस्क्यू कर सकें। हमारी टीमें पूरे हरियाणा और पंजाब में जहाँ जहाँ पानी भरा हुआ है वहाँ पर रेस्क्यू का काम कर रही है। यही मेरी तरफ से। बिल्कुल देख सकते हैं कि अंकित जो एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर हैं, जिन्होंने बताया कि अभी तक 200 से अधिक लोगों को जो ये रेस्क्यू कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक जो है इनकी टीम लगातार जो है पिछले 3 दिनों से जो है अपना कार्य करते हुए दिखाई दे रही है। देखिए, अभी भी जो है अंकित अपनी पूरी टीम के साथ जो है जो लोग जो गांव के अंदर फंसे हुए हैं, डेरों में फंसे हुए हैं, छतों के ऊपर बैठे हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं रेस्क्यू करते हुए उन्हें घरों से लेकर जो है एक सेफली स्थान पर जो है लेके जा रहे हैं। और देखा जाए तो तमाम जो लोग हैं उनसे भी हम हरियाणा न्यूज़ की तरफ से ही अपील करेंगे कि अगर जो अपना सुरक्षित स्थान पर जो है लोग अधिक से अधिक जो जाएं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रशासन भी लगातार जो है लोगों को बचाते हुए दिखाई दे रहा है। उसी तरह से हरियाणा न्यूज़ के लिए गगन सांग।